व्हाट्सएप पर पहले जब किसी को फोटो या वीडियो भेजते थे तो उस फोटो या वीडियो का क्वालिटी कंप्रेस होके जाता था, कंप्रेस यानी थोड़ा क्वालिटी खराब हो जाता था। बट अभी आप व्हाट्सएप पर किसी को फोटो या वीडियो HD क्वालिटी में भेज सकते हैं। बट इसमें भी एक पंगा यह है कि जब आप किसी को फोटो या वीडियो भेजते हैं तो आपको बार बार मीडिया क्वालिटी HD सेलेक्ट करना पड़ता है। तो अगर आप चाहते हैं कि फोटो या वीडियो भेजते टाइम मीडिया क्वालिटी बाई डिफॉल्ट HD सेलेक्ट हुआ रहे तो कैसा रहे, तो चलिए देख लेते हैं कि मीडिया क्वालिटी बाई डिफॉल्ट HD सेलेक्ट रखने के लिए सेटिंग में क्या चेंज करना होगा। व्हाट्सएप ओपन करने के बाद ऊपर राइट साइड में 3 डॉट दिया गया है, उस पर आपको क्लिक कर लेना है। फिर नेक्स्ट सेटिंग का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, उस पर आपको क्लिक कर लेना है। फिर नेक्स्ट स्टोरेज एंड डेटा ऑप्शन दिया गया रहेगा, उस पर क्लिक कर लेना है। फिर नेक्स्ट इंटरफेस में मीडिया अपलोड क्वालिटी ऑप्शन दिखाई देगा, उस पर क्लिक करेंगे तो आपको 2 ऑप्शन दिखाई देगा, जिसमें से पहला स्टैंडर्ड क्वालिटी रहेगा जो कि बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट हुआ रहता है, और दूसरा HD क्वालिटी। आपको HD क्वालिटी सेलेक्ट कर लेना है। HD क्वालिटी सेलेक्ट हो जाने के बाद आपको सेव ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब आप जब भी किसी को कोई फोटो या वीडियो भेजेंगे तो मीडिया क्वालिटी HD बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट हुआ रहेगा। चलिए एक फ़ोटो भेज के देख लेते हैं कि मीडिया क्वालिटी HD सेलेक्ट हुआ रहता है या नहीं। तो जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मीडिया क्वालिटी बाय डिफ़ॉल्ट HD ही सेलेक्ट हुआ है। अगर आप स्टैंडर्ड क्वालिटी में फ़ोटो या वीडियो भेजना चाहते हैं तो आपको सेटिंग में जाके मीडिया क्वालिटी स्टैंडर्ड सेलेक्ट करके सेव कर देंगे तो आपका फ़ोटो या वीडियो बाय डिफ़ॉल्ट स्टैंडर्ड क्वालिटी में ही जाएगा। तो इस तरह से आप व्हाट्सएप में मीडिया क्वालिटी चेंज कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।